दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और केन विलियमसन को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सिडनी के मैदान पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच इस वर्ल्ड कप का सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक मुकाबला खेला गया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में आफरीदी की कहर बरसाती हुई गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड का एक एक बल्लेबाज घुटने पर गिर गया, लेकिन विलियमसन और मिशेल ने पारी को संभाल कर मुकाबले में रोमांच पैदा कर दिया। इतना ही नहीं, रिजवान और बाबर आजम ने धमाकेदार पारी खेलकर सभी की सांसें रोक दी, और वहीं जिस प्रकार से ये मुकाबला खेला गया उसे देख अंत तक ये कह पाना मुश्किल हो गया था कि कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत हासिल कर पाएगी। आखिर इस मुकाबले में कैसे पाकिस्तान की टीम को जीत मिली वो तो हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। इसको जाने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि मोहम्मद रिजवान, केन विलियमसन और विराट कोहली में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच आज वर्ल्ड कप 2022 का सबसे महत्वपूर्ण सेमीफाइनल मुकाबला सिडनी के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो काफी ज्यादा गलत साबित हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की रफ्तार भरी गेंदबाजी के सामने मात्र 152 रन 20 ओवर में बनाए। तो वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए फिन एलन और कॉनवे आए, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की शुरुआत आफरीदी ने करी, जहां पर पहली ही गेंद पर एलन ने चौका लगाकर अपनी और अपनी टीम का खाता खोला, लेकिन इसके बाद आफरीदी ने अगली गेंद पर उनको आउट कर दिया। हालांकि वो डीआरएस लेकर बच गए, लेकिन अगली ही गेंद पर वो फिर से एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, परंतु इस बार डीआरएस ने उनको नहीं बचाया। दरअसल एलन ने 3 गेंदों पर 4 रन बनाने के बाद अपना विकेट आफरीदी को एलबीडब्ल्यू होकर दे दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए केन विलियमसन आए, तो वहीं दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे कॉनवे ने पारी को संभाल लिया, परंतु पावर प्ले के अंतिम गेंद पर उन्होंने भी अपना विकेट गलती से दे दिया। दरअसल पावर प्ले के अंतिम गेंद पर एक रन चुराने के चक्कर में कॉनवे शादाब खान की शानदार फील्डिंग और डायरेक्ट थ्रो के द्वारा रन आउट हो गए। इस बीच कॉनवे ने 20 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 21 रन की पारी खेली और इसी के साथ पावर प्ले में 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ग्लैन फिलिप आए, तो वहीं पर केन विलियमसन और फिलिप्स ने पारी को काफी ज्यादा शानदार तरीके से संभाल लिया, और इसी बीच मोहम्मद नवाज ने अपनी शानदार गेंदबाजी से एक और झटका कीवी टीम को दे दिया, जहां पर 8वें ओवर में मोहम्मद नवाज ने ग्लैन फिलिप्स को 8 गेंदों पर 1 चौके की मदद से मात्र 6 रन बनाने के बाद कॉट एंड बोल्ड कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने मिशेल आए, तो वहीं पर 49 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद मिशेल और विलियमसन ने पारी को शानदार तरीके से संभाल लिया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने 68 रनों की साझेदारी कर ली, परंतु इस साझेदारी को आफरीदी ने तोड़ दिया, जहां पर 17वें ओवर में आफरीदी ने दूसरी गेंद पर विलियमसन को 42 गेंदों पर 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 46 रन की पारी खेलने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि विलियमसन गलत शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए और अब बल्लेबाजी करने के लिए जिम्मी नीशम आए, तो दूसरी तरफ से 19वें ओवर में मिशेल ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, और इसी के साथ ही मिशेल तीसरे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने वर्ल्ड कप के 2 सेमीफाइनल मुकाबलों में अपना अर्धशतक लगाया हो, और इसी के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने 152 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां पर मिशेल ने 35 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 53 रन की नाबाद पारी खेली, तो वहीं दूसरी तरफ से जिम्मी नीशम ने 12 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 16 रन की नाबाद पारी खेली। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से आफरीदी ने 2 विकेट और मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट हासिल किया, तो वहीं 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम मैदान पर आए, तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत ट्रेंट बोल्ट ने करी, जहां पर ट्रेंट बोल्ट को पहली ही गेंद पर मोहम्मद रिजवान ने करारा चौका मार दिया और बिल्कुल न्यूजीलैंड की तरह शानदार शुरुआत दी। हालांकि विकेट भी बिल्कुल न्यूजीलैंड की तरह गिर जाता है, लेकिन विकेट कीपर कॉनवे ने ओवर की चौथी गेंद पर बाबर आजम का गोल्डन डक के रूप में थोड़ा सा मुश्किल कैच टपका दिया, और आपको बता दें कि पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 7 रन ट्रेंट बोल्ट ने दिए, और वहीं दूसरे ओवर में टिम साउदी ने मात्र 2 रन दिए, तो वहीं तीसरा ओवर करने के लिए जैसे ही ट्रेंट बोल्ट आए, तो लगने लगा कि आज उनका दिन नहीं है।
क्योंकि इसी ओवर में उनकी इतनी ज्यादा पिटाई की गई जिसके बाद तो वो सिर पकड़कर रोने को मजबूर हो गए। दरअसल इस ओवर में बाबर आजम और रिजवान ने मिलकर 3 चौके जड़ते हुए 15 रन ठोक डाले और इसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए फर्गुसन ने विकेट निकालने की कोशिश की, परंतु 1 चौके के साथ 8 रन उन्होंने भी दिए और इसके अलावा 5वें ओवर में साउदी को रिजवान ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। इतना ही नहीं, बाबर आजम ने भी ओवर में 1 चौका लगा दिया और इसी के साथ ही पावर प्ले में 55 रन बिना विकेट खोए पाकिस्तान ने बना लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में जीत का हीरो कौन है? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।